ड्रीम इलेवन भाई टीम बना बनाकर थक चुके हैं, फर्स्ट रैंक की तो बहुत दूर की बात है, कभी एंट्री वापस नहीं आती। लेकिन ऐसा क्यों आप ये पांच गलतियां ना करें? नंबर वन भाई, झूठी उम्मीद ना रखें। पता क्या होता है, जब हम कभी मैच लगाते हैं तो मैच लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आज फर्स्ट रैंक हमारी आएगी, मतलब आज बनने वाले जो करोड़पति हैं हम ही हैं। और यही झूठी उम्मीद के कारण हम सारे मैच लगाते रहते हैं, ना ही कोई मैचेस की नॉलेज, ना ही मैच का कोई प्रेडिक्शन देखना, और हम लगा के बैठ जाते हैं। तो जब तक कोई मैच की आपको सही से नॉलेज ना हो, क्रिकेटरों के बारे में सही से पता ना हो, तो वो टीम आप बिल्कुल भी ना लगाएं। हाँ माना लक है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज काम आती है। और दूसरी बात, बजट का ध्यान नहीं रखना भाई। अगर कोई टीम बनाती है उसमें बजट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है मुझे एक टीम बनानी है तो एक ही बनानी है, वो भी उन पैसों से जिन पैसे आपके व्यर्थ के हो, किसी खाने पीने में खर्च कर रहे हैं। आप इसमें अपना पूरा 100% दे दो, फिर भी 100% उम्मीद नहीं है कि आपकी फर्स्ट रैंक की ही आएगी, तो आप कभी भी इतने बजट का यूज ना करें जिससे आपको बहुत ज्यादा बुरा लगे। अगर आप ज्यादा बजट लगाते तो आने वाले मैच आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि पहले ही मैच में इतना ज्यादा लॉस खा के बैठ जाओगे। तो धीरे धीरे के लिए स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके खेलेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी टीमें लगाएंगे, एक दो लगाएंगे तो आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी मैच की, टूर्नामेंट की जितने भी पीछे मैच हुए उनकी नॉलेज भी होगी, और आपको पता चलेगा कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है कौन सा नहीं करता है। इससे इससे ऐसा होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप एक ना एक दिन फर्स्ट रैंक पे जरूर है। नंबर थ्री, मॉक टीम नहीं बनाना। भाई ये कितनी बड़ी गलती है यार, अगर आप 10 टीमें बना रहे हो और आपने मॉक टीम नहीं बनाई, मॉक का मतलब पहले से टीम बनाकर नहीं रखना। हमें पता है जब भी लाइनअप होता है, लाइनअप के बाद हमें 20-25 मिनट मिलती हैं, उन 20-25 मिनट में हम एक आध टीम सही से एनालाइज कर पाते हैं और बाकी की टीम हमारी उल्टी सीधी बन जाती है, और वो ही उल्टी सीधी टीमें हमें लॉस दे देती हैं। यार फर्स्ट रैंक कभी आ भी सकती है भाई, ना आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आप पहले से टीम बना के रखा करो, वीक टीम स्ट्रॉन्ग टीम के हिसाब से टीम बनाया करो, पिच एनालाइज करा करो, कौन सी पिच है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, या फिर बैलेंस पिच है, उस हिसाब से आपको पहले से अपनी टीम बना के रख लेना है। जैसे लाइनअप होता है उसी हिसाब से आपको टीम सही से सही कर लेनी है। नंबर फोर, टूर्नामेंट के डाटा का यूज ना करना। यार अभी पिछले जितने भी मैच हुए, रिसेंट जितने भी मैच हुए, या फिर आईपीएल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जो भी मैच हुआ है, जितने भी मैच हुए उसके टूर्नामेंट के डाटा का यूज ना करना। पिछले जो मैच हुए उन मैचों में कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया था, कौन सा प्लेयर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। अगर शुरुआती मैच है उनमें टीम बहुत कम लगाओ, ऐसा नहीं है शुरुआती वर्ल्ड कप है या आईटी, कौन सा 2020 मैच है, जो भी मैच आ रहा है उसमें शुरुआती मैच में टीम कम बनाओ, एक दो टीम बनाओ, जिससे आपको एनालाइज हो जाए कि कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते रहे उसी टीम से, उसी हिसाब से टीम बढ़ाते रहो, जिससे कि आपका लॉस होने के जो चांस है कम हो जाएंगे। आप जो एंट्री लगाते हो उसमें आपकी अच्छी रैंक आने के तो चांस है ही है, लेकिन आपकी ये एंट्री हमेशा वापस आएगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। जितने मैच हो रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, मैच प्रेडिक्शन देखो, नोट्स बनाओ, उस पर कौन सा प्लेयर ने आज कितने पॉइंट दिए और कौन सा प्लेयर कैसे पॉइंट नहीं दे रहा है, उस हिसाब से आप अगर टीम बनाएंगे तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। नंबर फाइव, कई बार हमें पता नहीं होता कि हमें मैच के अकॉर्डिंग किस तरह से टीम बनानी है, तो ऐसी चीज़ हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में जैसे स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम के बीच में मैच है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टीम के हमें टॉप फोर बॉलर ले लिए, टॉप फोर बैट्समैन ले लिए, बाकी हमें वीक टीम के ऑलराउंडर और बैट्समैन ले लिए, अगर स्ट्रॉन्ग और वीक टीम के बीच में मैच है तब। अब अगर अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका खेली, जैसे वीक टीम खेल लिए, तब आपको टॉप थ्री बैट्समैन लेनी है वीक टीम के, और टॉप थ्री बैट्समैन लेने आपको स्ट्रॉन्ग टीम के, और बाकी ऑलराउंडर और आप बैट्समैन ले सकते हैं, और टॉप फोर बॉलर आपको स्ट्रॉन्ग टीम के लेने हैं, जैसे कि इंडिया के टॉप फोर बॉलर जिन्हें आपको लगता है शुरुआती में विकेट गिराएंगे गिराएंगे। तब अगर आपको लगता है वीक टीम, दोनों वीक टीम और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जैसे कि अफगानिस्तान और श्रीलंका मान लो, ठीक है, दोनों वीक टीम और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम, तो आपको ऐसे में क्या करना है, तो आपको पिच रिपोर्ट देखनी है, पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही टीम बनानी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वीक टीम है और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। बिना पिच रिपोर्ट देखे भाई ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो आपको पिच रिपोर्ट देखना है, उसी हिसाब से आपको टॉप थ्री बॉलर और टॉप थ्री बैट्समैन लेनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।